की स्किन केयर का डे 3। पहले दोनों दिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, पहले दोनों दिन भी आपको मिल जाएंगे। उसमें होममेड फेशियल मैंने किया है कॉफी को लेकर, वो जरूर ट्राई करें, उसके मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए थे। आज मैं आपको ट्राई करने लगी हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फेस पॉलिशिंग किस तरह करती हूँ, क्विक फेस पॉलिशिंग, यानी सिर्फ एक चीज को यूज करते हुए आपका फेस जो है वो बहुत नीट हो जाता है। ये है रिवाज यूके का चारकोल फ्रूट पॉलिशर व्हाइटनिंग ऑयल ऑयल फ्री डिटॉक्सिफाइंग, और इस पे लिखा है प्यूरिफाइंग डीप क्लींजिंग ऑल स्किन टाइप्स, ये है ठीक है। आज हम इसको यूज करते हुए स्किन पॉलिशिंग करेंगे। मेरी स्किन इस जगह से डल हो रही है, यहाँ से डल हो रही है, यहाँ से थोड़ी सी ब्लैक हो रही है, यहाँ पर एक्नी का छोटा सा निशान है, तो हम देखेंगे कि इसकी क्या रिजल्ट आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगी फेस क्लींजिंग, उसके लिए मैं यूज करने जा रही हूँ ये क्लींजर। आप अपना कोई भी क्लींजर यूज कर सकते हैं। मिनट का मसाज क्लींजर से फेस का और नेक का, उसके बाद इसको मैं ड्राई करूंगी। अपना फेशियल टॉवल यूज करते हुए अपने फेस को ड्राई करें, देखें फेस नीट हो गया है। थोड़ा सा फेस ड्राई करने के बाद हमने अपना फेस पॉलिशर अप्लाई करना है। मैं स्क्रबिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाजू का स्किन सेंसिटिव हुई होती है और स्क्रबिंग से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, कोई पॉलिशर अप्लाई करने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो अगर आपको सूट करता है, आपको एलर्जी नहीं होती है, गो अहेड, आप स्क्रबिंग भी कर लें। मैंने सिर्फ क्लींजर किया है। फेस क्लींज करने के बाद मैं इसके ऊपर डायरेक्टली पॉलिशर अप्लाई करने लगी हूँ और देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। मैं इस वजह से भी ज्यादा चीजें यूज नहीं कर रही हूँ कि मुझे इसके रिजल्ट चेक करने हैं। इसको मैं ब्रश के ऊपर अप्लाई करूंगी और अपने फेस पर स्प्रेड करूंगी। कोई भी अपना ब्रश यूज कर लें, पर ब्रश को पहले नीट कीजिएगा अच्छे तरीके से और फिर उससे अप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से ये चीज शेयर करती हूँ कि जो भी आप प्रोसीजर अपने फेस के लिए कर रहे हैं, प्लीज अपने हैंड्स पे भी वो करें, ताकि अपने आपके हाथों और आपके फेस के कलर कॉम्प्लेक्शन में ज्यादा डिफरेंस ना रहे। अदरवाइज क्या होता है, फेस बहुत ज्यादा नीट हो जाता है, ग्लो करता है, और हाथ बहुत ही ज्यादा रफ नजर आते हैं, यानी हाथों के और मुंह के जो कलर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, आई डोंट नो कि इसको यूज करने से स्किन के बाल जो है वो गोल्डन होते हैं या नहीं होते हैं, बिकॉज जो दूसरा पॉलिशर मैं घर में बनाती हूँ उससे तो हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। हम इसको 5 मिनट के लिए लगा रहने देंगे और उसके बाद मैं मसाजर को यूज करते हुए इसका मसाज करूंगी। अगर आप हाथों से करना चाहते हैं, नो इशू, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हाथों से इसका 3 से 4 मिनट मसाज कर सकते हैं। मैं इस पे जो लिखा हुआ है हाउ टू यूज आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस पे लिखा हुआ है रिवाज चारकोल फ्रूट पॉलिशर जेंटली स्प्रेड ओवर द फेस एंड चीक्स, ग्रेजुअली एड वाटर विद फिंगर टिप्स अंटिल ऑल मिनरल क्रिस्टल चारकोल्स आर डिसॉल्व्ड, मसाज फॉर 3 to 5 मिनट्स एंड देन रिंस विद टैप वाटर। मैं उर्दू में बता देती हूँ, उन्होंने कहा है कि पूरे फेस पे लगा ले, फिंगर टिप्स को गीला करें और फिंगर टिप्स से मसाज कीजिएगा, 3 से 5 मिनट मसाज करें और उसके बाद आप धो सकते हैं इसको। 3 से 4 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं इसको यूज करते हुए मसाज शुरू करूंगी। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, इससे मैं मसाज करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इस मसाजर मशीन की सारी किट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कहां से आप खरीदेंगे इसको और कितने पैसों में ये आपको मिलेगी, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो यार, जब तक मैं मसाज कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल और लाइक भी कर दो मेरा चैनल। सारा का सारा ना नाक में घुसी जा रहा है मेरे को।
देखे रिजल्ट्स, फेस नीट हो गया है, बाल तो इतने ज्यादा ग्रे नहीं हुए हैं लेकिन फेस जो है वो काफी ज्यादा नीट लग रहा है। मैं अभी आपके साथ शेयर ज्यादा जूम करके देख लेते हैं फेस को, आप देखें बाल ग्रे नहीं हुए हैं लेकिन स्किन काफी हद तक नीट हो गई है, ग्लो भी कर रही है। ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे जो एरिया डार्क हुआ था और यहाँ से भी बाल ग्रे नहीं हुए हैं। हाँ, सिंगल यूज में तो ऑब्वियसली इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं लेकिन हो सकता है कि अगर आप 3 से 4 दफा इसको अप्लाई करें तो इसके रिजल्ट्स बेटर से बेटर होते चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे, नहीं नीट तो ही है लड़कियों, नीट तो ही है। अब इतना इजी प्रोसीजर पॉलिशिंग का है तो इतने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे ना ऑब्वियसली, अब बिल्कुल तो 100% रिजल्ट्स तो मिलने से रहे। अच्छा, अब ये पॉलिशर हो गया है अप्लाई, अब मैं इसके ऊपर शीट मास्क अप्लाई करूंगी ताकि मुझे ज्यादा स्किन में ग्लो आए, ज्यादा रिजल्ट्स मिले। शीट मास्क भी अप्लाई करना बनाना मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, एंड पे लिंक भी लगा दूंगी वीडियो का, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, जो आज पहली दफा मेरी वीडियो पे देख रहे हैं वो तो जरूर देखें मेरी बाकी की वीडियोस, और लाइक भी करना है शेयर भी कर देना। अच्छा, शीट मास्क बनाना मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं ये वाला शीट मास्क यूज करती हूँ, ये मैंने मिनीसो से खरीदे हैं, ये भी मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ आपको। किस तरह मैंने मटेरियल बनाया है वो मैं दोबारा आपसे शेयर कर लेती हूँ। मैंने यूज किया है क्लिंजर वाटर, ये है रियल स्क्वीज एलोवेरा क्लिंजिंग वाटर, ये डाला है मैंने इसमें। उसके बाद रोज वाटर डाला है, इसके अंदर ग्लिसरीन भी मिक्स है, रोज वाटर ग्लिसरीन हो गया। उसके बाद मैंने 3 to 4 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डाले हैं, ये लेवेंडर ऑयल है, 3 to 4 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड किए हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रियल स्क्वीज एलोवेरा वाटर, अगर आपके पास वो नहीं है आप ये एलोवेरा यूज कर ले, ये भी नहीं करना रियल एलोवेरा यूज कर ले। उसके अलावा मैंने रोज वाटर डाला है, थोड़ी सी ग्लिसरीन डाली है और 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने एसेंशियल ऑयल के डाले हैं। इफ यू डोंट हैव एसेंशियल ऑयल, कोई मसला नहीं है, कोकोनट ऑयल डाल लें, एलमंड ऑयल डाल लें, वो भी नहीं है तो लेमन डाल लें, इस चीज को इश्यू ना बनाए, अपनी स्किन की केयर करें, जो आपके पास चीजें अवेलेबल है उन्हीं से कर लें, ठीक है। अब मैं इसको खोलूंगी और इसको मैं ऐड करूंगी अपने मटेरियल में, बहुत ओखा खुला, बहुत ज्यादा गीला हो गया था ना, अब मैं इसको ऐड करूंगी इसमें। अब ये सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, तो कैमरा उल्टा करके लगेगा उल्टा, ये देखो ये सारा जो मटेरियल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैं अप्लाई करूंगी इसको अपने फेस पे और फिर मैं शेयर करूंगी रिजल्ट्स। ये देखें ग्लो फेस पे, अभी भी ग्लो आ रहा है, अभी क्या किया है सिर्फ क्लींजर किया है और पॉलिशर किया और फेस ऑलरेडी ग्लो कर रहा है। अगर आप एंड पे शीट मास्क अप्लाई करोगे ना बहुत ही प्यारी स्किन हो जाएगी, बहुत ज्यादा खुलिया। अब इसको अप्लाई करेंगे फेस पे, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, या आप घर में भी बेबी वाइप्स यूज करके बना सकते हैं। प्रोसीजर मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी स्किन केयर की वीडियो में जाओ और एंजॉय करो। इसको एडजस्ट करने में अपने फेस के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर लिया है, आंखों से ज्यादा मसला करता है बिकॉज ये कोरियन स्किन केयर का होता है तो उनकी आंखें चुनी चुनी होती है। सेट हो गया, इसको मैं रखूंगी 20 to 25 मिनट्स, इसमें थोड़ा सा मटेरियल है मैं फिंगर से दोबारा लगाती रहूंगी। अच्छा, इसी मटेरियल को मैं नेक पे भी अप्लाई करूंगी और हैंड्स पे भी। और हम वेट करेंगे 20 to 25 मिनट्स, फिर आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली। मैं था तकरीबन 20 to 25 मिनट्स फेस पैक को और अब मैंने रिमूव कर दिया है, आप देखें फेस पे ग्लो आया है, इस जगह पे थोड़ा सा फेस नीट हो गया है। और मैंने सुना है कि पॉलिशर के रिजल्ट्स जो है वो दो से तीन दिन के बाद आते हैं लेकिन मुझे अभी भी अपना फेस काफी हद तक नीट लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। क्या खा रही हो? ये क्या है?
ये फ्राइज है? अच्छा, मामा ने फ्रीज करके रखी हुई थी। ऊपर देखो, फ्रीज की थी। मजे किया? मजे की। ओहो, चलो बाय बाय करो। बाय बाय।